सीएनजी मार्केट में इस कमर्शियल व्हीकल का अकेले दबदबा चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है टाटा एस गोल्ड, वो भी सीएनजी में। भाई सीएनजी वेरिएंट इस गाड़ी का कितना ज़्यादा किफ़ायती हो सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो भाई इसी का ही आज रिव्यू किया जाएगा, एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स, ऑन रोड प्राइसिंग के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि भाई सीएनजी में इस गाड़ी का अकेले दबदबा कैसे चलता है। सबसे पहली बात कि इस गाड़ी का मैंने यार पेट्रोल वेरिएंट का भी रिव्यू कर चुका हूँ, आप जाकर के चैनल पेज पे देख सकते हो। फिलहाल इस गाड़ी की बात करें तो सीएनजी में है यार, सीएनजी में यार और भी ज़्यादा तबाही मचा रही है। अपने सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी ना अपने सेगमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिकती है। छोटा हाथी के नाम पर यार सीएनजी वेरिएंट में इतना अच्छा माइलेज क्लेम करती है। सबसे बड़ी चीज़ है इस गाड़ी में यार पेलोड कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रखी गई है, फीचर्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है रिलायबिलिटी, टाटा की रिलायबिलिटी जाहिर सी बात है कॉमर्शियल व्हीकल में टाटा का एक तरफा दबा चलता है, तो उस हिसाब से इस गाड़ी का रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा बेहतर है आप इस गाड़ी के नाम से ही जान सकते हो। अगर इस गाड़ी के इंजन स्पेस की बात करें तो वही आपको 694 सीसी का टू सिलेंडर आपको मल्टी फ्यूल इंजेक्टर इंजन मिल जाता है, जो सीएनजी में आपको 26 पीएस की पावर देता है 50 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। माइलेज की बात करें तो 32 km तक का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन यार 25 तक ये आराम से आपको निकाल के दे देती है, जो यार एक अच्छा माइलेज है अप्रॉक्स देखा जाए तो। तो भाई इस गाड़ी के लिए देखो भाई कमर्शियल व्हीकल के माइलेज सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, तो इस गाड़ी में आपको अच्छा माइलेज भी देखने को मिल जाता है। अगर इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आराम से आपको 7,41,000 रुपये में MB टाटा मोटर्स यानी कि यार MB व्हीलर्स पे देखने को मिल जाती है, गोरखपुर UP में पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में शोरूम की रिकॉर्डिंग सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। फिलहाल बात करें तो जैसे पेट्रोल में था आपको सेम ही देखने को मिलती है, जैसे डोर वगैरह भी सारा चीज़ आपको सेम देखने को मिलता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। फिलहाल अगर बात करें डोर जो ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा साइज़ का मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ से आप रोल डाउन वाला विंडो है, इसको आराम से आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली तो कुछ मिलता नहीं है भाई, बेस मॉडल है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे लॉक अनलॉक ग्रैब हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरह का चारकोल ब्लैक में इंटीरियर मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता लेकिन ठीक है, जो भी चीज़ें मिलती हैं। अंदर आइए बैठते हैं उसके बाद बात करते हैं। बाकी यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है, अपना कर सकते हो। बाकी की लगाते हैं उसके बाद बात करते हैं और भी क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। चलिए आइए अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं उसके बाद बात करते हैं, गाड़ी को बंद कर लेते हैं डोर को। कमर्शियल व्हीकल में बैठने के बाद बड़ा सादा सादा वाला फीलिंग आती है, क्योंकि भाई ये गाड़ी होती है लोगों को कमा करके देती है, और कमा कर देने वाली गाड़ी में फीचर्स नहीं देखते हैं, उसमें केवल उनकी काबिलियत को देखा जाता है। और रियली में ये गाड़ी काबिलियत के साथ साथ फीचर्स भी आपको ऑफर करती है। अगर नहीं मालूम है तो आप ये देखिए, सबसे अच्छा चीज़ तो आपको यहीं पर फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल मिलता है यहाँ। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको किलोमीटर्स वगैरह बता देते हैं, बाकी ऊपर सारी चीज़ें और डिजिटल में देखने को मिलता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही है। इंजन चेक, मॉर्निंग की लाइट, बैटरी का इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेटिव आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है MID के साथ। उसके बाद अगर आएंगे तो आप एक अच्छी चीज़ ये मिल जाती है आपको, SBS में भी मिलता है, पेट्रोल वाले में भी USB मिलता था, इसमें भी मिलता है। ग्लव बॉक्स भी आपको ठीक ठाक साइज़ का मिल जाता है, देखिए यहाँ पे आपको ठीक ठाक साइज़ का ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। बाकी यार चारकोल ब्लैक में इंटीरियर वगैरह मिलता है, देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है, बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वजह से तो प्रीमियम लगती ही लगती है। बाकी इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना तो आपके यार मतलब रीच में मिलता है, जिसकी वजह से आपको यार जो विजिबिलिटी आती है फ्रंट की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, देख लीजिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही लगता है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको गियर लीवर्स मिल जाते हैं, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको सीट में आपको रिक्लाइंग एंगल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, अपने हिसाब से हेडरेस्ट को एडजस्ट आप कर सकते हो, जिसकी वजह से कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैंप भी मिल जाता है, जो बड़े काम का भाई। बाकी यार IRBMs जो है वो आपको नॉर्मल वाला ही मिलता है, सनवाइजर में कोई भी एंटी मिरर वगैरह देखने को नहीं मिलती है भाई। यार वो ये एक तरह से आपका कॉमर्शियल व्हीकल, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी देखने को मिल जाता है, जो बड़े ठीक है यार, सीएनजी व्हीकल में सब में होता है, जो अच्छी बात है। अग्निशामक यंत्र जो बहुत ज़्यादा काम का होता है। फिलहाल यार अगर पीछे से देखोगे तो यार ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा मिलता है, जिसे आप लोड वगैरह या फिर पीछे बैक वगैरह करते हो तो आराम से देख सकते हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, काफ़ी बड़े साइज का है। बाकी अगर बात करें तो बाकी सारी चीज़ें तो आपको अच्छी मिल जाती है इस गाड़ी में। आइए चलिए और भी चीज़ें जानते हैं उतर करके, पीछे लोड कैपेसिटी वगैरह इस गाड़ी में कैसी मिल जाती है, डाले की लंबाई वगैरह कैसी है। बाकी यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो हेडलैम्प को। बाकी आइए, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी यार सीट का कंफर्ट देखा जाए तो सही है, क्योंकि यार आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है, जो बहुत सही है। बाकी ग्रैब हैंडल्स आपको उधर में देखने को मिलता है, इस साइड आपको नहीं मिलता है,
चलिए आइए और भी चीजें देखते हैं। तो भाई एक चीज है, सीट की कंफर्ट भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर डायमेंशनली बात करें तो लेंथ मिल जाती है 3800mm की, विड्थ मिलती है 1500mm की, व्हील बेस की बात करें 2100mm के आसमें आपको व्हील बेस भी देखने को मिल जाता है, जो कि सही है। CNG प्लस की बैजिंग मिल जाती है। फिलहाल यार ORBMs आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, बड़े साइज के मिलते हैं, ये चीज़ सही है। अपने डोर हैंडल्स यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी अगर टायर साइज़ की बात करें तो वही आपको 145/12 inch का आपको स्टील लिम्स मिलता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 145, बाकी स्टील लिम्स मिलता है, जो कि सही यार काफ़ी बड़े साइज़ का है अपने गाड़ी के लोड कैपेसिटी के हिसाब से। डाले की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो वही 7.2 feet की आपको लंबाई मिलती है और 4.9 feet की आपको चौड़ाई मिलती है। काफ़ी लंबा चौड़ा डाला है जिसमें यार लोड आप अच्छे से कैरी कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब इस गाड़ी के कैबिनेट के साथ। देखिए यहाँ पे दो सिलेंडर आपको दिख रहे हैं, 6-6 kg के आपको दो सिलेंडर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगती है, सेंट्रल माउंटेड फ्यूल टैंक दिया है, जो यार बहुत ज़्यादा बेहतर सेफ्टी है। देखो यार टाटा की गाड़ी है तो सेफ्टी मिलेगी, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ से आप खोल बंद कर सकते हो, डाले को अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ से आराम से खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अगर यार देखोगे तो नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको टेल लैंप मिल जाता है, इंडिकेटर सब हाइलोजन बेस, पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं, रियर फॉग लैंप भी आपको देखने को यहाँ मिल जाता है। देखिए बाकी सारी चीज़ें सही मिलती हैं, अपने हिसाब से देखने में गाड़ी सही लगती है। बाकी यहाँ पे प्रेशर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से अपने CNG टैंक का प्रेशर भी बताता है, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है एक हिसाब से देखा जाए तो, ये बहुत सही है। देखो यार टाटा है तो यार सेफ्टी बहुत ज़्यादा सही देता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बैटरी मिल जाती है एमराउन की, बाकी यार यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे मिलती है, CNG प्लस की बैजिंग वगैरह मिल जाती है। अच्छा लुक वाइज भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, देख लो लुक वाइज कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है। पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा लुक में इम्प्रूवमेंट आ गया है टाटा ने किया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। कुछ फ्रंट में देखने के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ियाँ चलती हैं तो रोड पर रोड प्रेजेंस भी इसकी सही आती है, मतलब एक कॉमर्शियल व्हीकल के हिसाब से थोड़ी सी हैवी लुक आती है, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा कर दिया टाटा ने। बाकी अगर बात करें तो नीचे आपको यार फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, नीचे कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलती है, लोअर ग्रिल सही मिलती है। बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ऊपर आपको हैलोजन बेस हेडलैम्प मिलते हैं, इंडिकेटर भी मिल जाता है, इसकी बैजिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पे टाटा का लोगो, गोल्ड का लोगो मिल जाता है। बाकी ऊपर यहाँ पे आपको वाइपर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, विंडशील्ड काफ़ी बड़े साइज की मिलती है, जो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको CNG की बैजिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है। गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सबसे अच्छी चीज़ है वारंटी पीरियड काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, 2 साल की या फिर 72,000 kilometer की आपको वारंटी पीरियड मिलती है, जो यार बहुत सही है। और लॉन्ग सर्विस ड्यूरेशन होने की वजह से बार बार आपको सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये रहा टाटा एस गोल्ड CNG प्लस का रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।